हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल के साथ चिकन, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। इसका लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली हूँ और ये बीन्स ली हूँ थोड़ी। इसे धो के अच्छे से साफ करके मैं काट लूँगी। देखिए, बीन्स के साथ मैंने आलू भी, दो आलू भी कट किया है और चिकन को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसका लिए मसाला रेडी किया है, थोड़ी काली मिर्च और धनिया 2 चम्मच, लहसुन थोड़ी और बड़ी इलायची 1, और सूखा मिर्चा 3, और ये 3 प्याज काटी हूँ। ऑयल मैंने डाली थी 3 चम्मच ऑयल, और प्याज को डाल के मैं इसे प्याज को भून लेती हूँ सुनहरा होने तक। अब इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में मैं इसे भून लेती हूँ। देखिए, सुनहरा हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। अब इसी में मैं बीन्स और आलू भी डालूंगी साथ में, और अच्छे से मिला लेती हूँ पहले। अब इसे मैं 5-7 मिनट ढक के पकाऊंगी। 5-7 मिनट हो चुका है, देखिए। इसी तरीके से मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ पहले। अब मैं इसे और 2 मिनट ढक के पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुका है, देखिए, ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें पिसी हुई मसाला डालूंगी। अब इसे भी अच्छे से मिला के मैं ढक के पकाऊंगी और 7-8 मिनट। आठ मिनट हो चुका है, देखिए, अच्छा से मसाला भी भून चुका है। सारे चीज अच्छे से भून चुका है और आलू भी पक चुका है, चिकन भी पक चुका है, बीन्स भी पक चुका है। ये बढ़िया से बन चुका है, देखिए कितना अच्छा से बन चुका है। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नया वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।